देहरादून जो ऐतिहासिक शहर है और सृष्टि के आदिकाल से हिमालय में जहाँ ऋषि मुनियों ने साधना की है, वहीं जो हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, प्रज्ञा चक्षु हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सेवा ब्लाइंड स्कूल देहरादून में निष्पन्न हो रही है। उसके प्रबंधक में जो एक निस्वार्थ निष्काम दिव्य सेवा दे रहे हैं, ऐसे श्री सुनील जी को और डायरेक्टर श्री नचिकेता जी सहित इस सेवा साधना में लगे हुए सब भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। और प्रणाम करते हुए यह आह्वान करता हूं कि कोरोना काल से लेकर के जीवन के हर संकट से पार निकलने के लिए योग हमें अद्भुत सामर्थ्य देता है। और जिनके बाहर के चक्षु नहीं है तो भी अंतःचक्षु अंतःप्रज्ञा भगवान ने सबको दी हुई है, और योग उस अंतःप्रज्ञा को, उन अंतःचक्षुओं को, ज्ञान चक्षुओं को, ये बाहर के तो चरम चक्षु हैं, गीता में श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चरम चक्षुओं से मेरी महिमा तुम नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। और शिव भी हमारे त्रिनेत्रधारी हैं, उनको दिव्य चक्षु उपलब्ध है, वो दिव्य चक्षुओं से भूत भविष्य वर्तमान सबको देखते हैं और उनको त्रय विद्या का बोध है, उनको त्रिलोकी का बोध है, वो त्रिलोकी स्वामी है। ऐसे ही जो हमारे प्रज्ञा चक्षु भाई बहन योगाभ्यास करेंगे उनकी अंतः प्रज्ञा जागृत होगी, वो अंतर्मुखी होंगे, स्थित प्रज्ञा होंगे और वो सच्चे अर्थों में योगवित आत्मवित ब्रह्मवित होकर के इस जीवन में जो सफलताएं पानी उनको तो पा ही सकते हैं, वो इसी जीवन में मोक्ष को भी प्राप्त हो सकते हैं। जो हमारे प्रज्ञा चक्षु भाई बहन हैं उनको प्राणायाम विशेष रूप से अधिक करने चाहिए, उससे उनका आंतरिक सामर्थ्य इतना बढ़ जाएगा कि उनके भीतर का देवत्व, उनके भीतर का महामानव, उनके भीतर का ऋषित्व ब्रह्मत्व योग से पूरा जागृत हो जाएगा और वो योग से निरोगी तो बनेंगे ही, वो नर से नारायण, जीव से ब्रह्म, मानव से महामानव और पुरुष से महापुरुष बनेंगे। बस एक ही शर्त है, कम से कम आधा से एक घंटा योग और ओंकार गायत्री ध्यान अवश्य करें। मैं तीन बातें कहना चाहता हूँ। यदि हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा जो रिकवरी रेट है उसको हम 99% तक ले जा सकते हैं विद इन 7 to 15 days, मैक्सिमम 7 to 10 days में रिकवरी रेट हमारा 100% हो सकता है, ऐसा हमने किया है प्राणायाम करवा करके। और बिल्कुल सिंपल आयुर्वेद की कुछ औषधियाँ भी, गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, दालचीनी, मुलैठी का काढ़ा, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। तो कम से कम 5 to 7 प्राणायाम, भस्त्री का 2 to 5 minutes, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। वैसे भी जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़, जिनको क्रोनिक डिजीज़ हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो है, उनके ऊपर कोरोना का ज़्यादा इफेक्ट होता है। डॉक्टर्स को मैं चाहूँगा कि वो सब भी ट्रीटमेंट करने से पहले, माने घर पर जब वो तैयार होकर के जाते हैं तो योग करके प्राणायाम करके फिर जो है उपचार के लिए निकलें। तो कपालभाति फिर ये डायबिटीज़ के लिए, पेट के लिए बड़ा ज़बरदस्त प्राणायाम है, ये 5 to 10 minutes प्रतिदिन अवश्य करें। जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, मैंने पेशेंट्स का रिकवरी रेट बढ़ेगा, उनका डेथ रेट हम 0 level तक ला सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और जिन कारणों से कोरोना होता है उनका निवारण कर सकते हैं, जिसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। इससे सिम्टम्स भी अच्छे होंगे और सिस्टम भी अच्छा होगा, सिस्टमेटिक भी, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी आएगी। तो कपालभाति 5 to 10 minutes अवश्य करें। फिर उज्जाई गले और थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, और यदि कोरोना का इन्फेक्शन गले में भी है तो उसको भी दूर करने में ज़बरदस्त मदद करता है। इसमें कोरोना की टेस्टिंग भी हो जाती है और ट्रीटमेंट भी हो जाती है। यदि आधा से एक मिनट तक होल्ड कर लेते, इसका मतलब आपके शरीर में कोरोना नेगेटिव है। आधा से एक मिनट आप होल्ड कर ले,
होल्ड करके दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दे, ऐसे 3 से 5 बार इसको कर लिया, फिर ये अनुलोम विलोम। भस्त्री का कपाल भाती अनुलोम विलोम जबरदस्त प्राणायाम है। कपाल भाती अनुलोम विलोम दोनों ही 5 5 10 10 मिनट किए जा सकते हैं। फिर भ्रामरी उद्गीत आज्ञा चक्र में मन को टिका करके अपने आप को कंसंट्रेट करके अंतर्मुखी होकर के जब हम करते हैं अपने आप ध्यान लग जाता है। ये स्ट्रेस डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, हार्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त है, इससे ब्लड प्रेशर भी एकदम कंट्रोल हो जाता है। कम से कम 3 से 5 बार भ्रामरी और 3 से 5 बार ऐसे उद्गीत लंबा गहरा श्वास भर के ओंकार का उच्चारण करते हैं, लंबा गहरा। ये मुख्य प्राणायाम है सबके लिए। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग हो, बहुत गर्मी लग रही है, एंजाइटी डिप्रेशन है, घबराहट हो रही है, उनके लिए शीतली शीतकारी भी अच्छा है, उसको भी कर सकते हैं। जीवा बाहर निकाल करके मुख से श्वास लेना, नाक से छोड़ना। इसको भी 5 7 बार कर सकते हैं। फिर जीवा दांतों के पीछे लगा के दांत बंद रखना, ओष्ठ खोल करके मुख से श्वास लेना, नाक से छोड़ना। ये इतने प्राणायाम सबके लिए जरूरी है। 99% कोरोना में और सब रोगों में प्राणायाम से ही लाभ होता है। ये सबको करना चाहिए, सबके लिए मैंडेटरी है। अब प्राणायाम के अतिरिक्त जिनको दूसरे योगाभ्यास करने हैं, तो बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम कर ले 2 3 मिनट। अंगुलियों का, अंगूठों को, पंजे को आगे पीछे दबाया, ऐसे गोल गोल घुमाया, थोड़े ऐसे घुटनों को भी हिला लिया और ऐसे शरीर को भी आगे पीछे थोड़ा सा हिला लिया, ये चक्की आसन कर लिया, फिर ये स्थित कोण आसन कर लिया, ऐसे थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, इससे ऐसे आगे पीछे थोड़े झुक लिए, थोड़ा ऐसे बटरफ्लाई कर लिया और हाथों को भी ऐसे सामने खोल के थोड़े सूक्ष्म व्यायाम। मैं शीघ्रतापूर्वक बता रहा हूँ कि सब ऐसे आराम से कर सकते हैं। इस तरह से ये अभ्यास लंबे लंबे श्वासों के साथ करते हैं तो पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। बहुतों की बॉडी में बहुत स्टिफनेस होती है, तो इससे बॉडी फ्लैक्सीबल हो जाती है और आसन करने के योग्य हमारा शरीर हो जाता है। तो योग के द्वारा हम अपनी बॉडी को, माइंड को, अपने थॉट्स, इमोशंस को, एनर्जी को हम कंट्रोल कर रहे थे।
ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम और गर्दन को गोल गोल भी ऐसे घुमा सकते हैं, ये सबको करना चाहिए। अब यद्यपि मैंने कहा 99% प्राणायाम से लाभ हो जाएगा सबको, कोरोना की जंग से लेकर के जिंदगी की जंग जीतने के लिए, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, इसके ऊपर हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया SGPGI चंडीगढ़ और पतंजलि ने, आज से करीब 12-13 साल पहले प्राणायाम और ओंकार ध्यान का ये परिणाम पाया कि इससे प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिल, एड्रिनलिन हमारे कम हो जाते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स, और बीटा इंडोरफिन, इनकैफेलिन, सीरोटोनिन, डोपामिन आदि जो अच्छे हार्मोन्स हैं उनका लेवल बढ़ जाता है। तो प्राणायाम के साथ साथ अब जो बड़ी बीमारियां जो बहुत परेशान करते हैं व्यक्ति को, उनके लिए आसन भी बताते थे। जैसे डायबिटीज़ के लिए कम से कम 5 आसन, डायबिटीज़ के लिए 5 आसनों में सबसे पहले मंडूक आसन। अब आसन का विशेष नियम, जैसे मैंने कहा कि सांस को बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे, कमर में दर्द आगे नहीं झुकना, हर्निया पीछे नहीं झुकना, ये प्रिकॉशन रखना। जैसे प्राणायाम के संदर्भ में हम कहते हैं कि असाध्य रोग होने पर कपालभाति, अनुलोम विलोम की मात्रा बढ़ा दे 10-15 मिनट से लेकर के, हम असाध्य रोगों में, इनकरेबल डिजीज़ में आधा आधा एक एक घंटा तक कराते हैं, और पहले बीमारियों को कंट्रोल, और बाद में हम देखते हैं बीमारियां क्योर हो जाती हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट लगातार ये 5 अभ्यास जो मैं अभी बता रहा हूँ और प्राणायाम करके नॉन डायबिटिक हो गए। बीपी लोगों का पहले कंट्रोल और बाद में क्योर हो जाता है, दवाइयाँ बंद करनी पड़ती हैं, नहीं तो बीपी डाउन चला जाता है यदि दवाइयाँ लेते रहते हैं। तो ये मंडूक आसन का एक अभ्यास, फिर ऐसे दूसरा अभ्यास मंडूक आसन का। एक आसन का पूरा लाभ पाना है तो 5 मिनट तक करना पड़ेगा, एक एक मिनट करके 5 बार कर सकते हैं, और 2-2.5 मिनट करके 2-3 बार में 5 मिनट कर सकते हैं, तो पूरा लाभ मिलेगा। ये डायबिटीज़ के लिए रामबाण है, अद्भुत है, ब्रह्मास्त्र है योग। मोदी जी भी कहते हैं योग में प्राणायाम सर्वाधिक लाभप्रद है, फिर ओंकार ध्यान और ये जो आसन है ये संजीवनी का, ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। ऐसे एक आसन में कम से कम 1 मिनट, और एक आसन को जब से 4-5 मिनट कर लेंगे तो पूरा लाभ मिल जाएगा। मंडूक आसन, वक्रासन, जो सब कर सकते हैं, दाहिना पैर मोड़ा, बाएं पैर सीधा, ऐसे घूम गए, एक आसन को 1-2.5 मिनट से लेकर के 2-3 बार करके 5 मिनट तक करना, तो 100% लाभ मिलेगा। जो एफिकेसी रेट है वो जबरदस्त है योगाभ्यास का, ऐसे दोनों तरफ से 1-1 मिनट करके, फिर बाद में 5 मिनट तक करना। ये 2 आसन हो गए। तीसरा आसन है डायबिटीज के लिए पवन मुक्त आसन, घुटनों को दबाया, छाती से लगाया, सिर उठा करके नासिका को लगा दिया, घुटनों से पंजे दबे हुए, एड़िया नितंब से लगी हुई, ऐसे 1 मिनट तक ऐसे करना। इससे पेनक्रियाज की बीटा सेल्स एक्टिवेट होंगे। डायबिटीज के 3 बड़े कारण हैं, एक तो पेनक्रियाज की बीटा सेल्स का डिजनरेट होना, हमारे जो है सेल्स का के रिसेप्टर्स का वीक होना, और फिर स्ट्रेस से, एंजाइटी, डिप्रेशन से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, और बहुत कारण से बन जाते हैं, उससे डायबिटीज़ हमारी बढ़ती है, तो उन सबका निवारण होता है। उत्तान पादासन, ये भी 1 मिनट से शुरू करके ऐसे 1-1 मिनट करके इसको 5 मिनट तक किया जा सकता है, तो इससे पूरा लाभ होगा। ये पेन की इलाज के लिए ज़बरदस्त है उत्तान पादासन, ऐसे 1 मिनट तक ये करना, फिर नौकासन, ये सबको करने चाहिए डायबिटीज़ के लिए। 5 आसन हो गए, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, 5 प्राणायाम हो गए डायबिटीज़ के लिए, भी जबरदस्त है आसन प्राणायाम। अब मोटापा के लिए 3 अभ्यास सीधे लेट करके ऐसे ऊपर नीचे उठाना, 10-20-25-50 बार से शुरू करके, फिर 50-50 के 2-3-4-5 राउंड कर लेते हैं, 100 से 200 बार तक मैं ऐसे करवा देता हूँ, और एक दिन में ही 250 ग्राम से लेकर के आधा, और किसी किसी का तो 1 किलो तक वेट कम हो जाता है, जब 100-100-200-200 बार हम ये अभ्यास करा देते हैं, ऐसे क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, इस तरह से ये अभ्यास हुआ। पैर से बड़ा शून्य बनाना, पहले 5-10 बार, फिर 20-25 बार, 50 बार, और इसके 2-3 राउंड कर दिए तो 100-200 बार तक हो जाते हैं अभ्यास, और इनका ज़बरदस्त लाभ होता है। योगाभ्यास करें, आहार पर नियंत्रण रखें, क्योंकि बीमारियों का मुख्य कारण है लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। तो ये 3 अभ्यास ऐसे, दोनों पैरों से जो ना कर पाए तो एक एक पैर से भी ऐसे कर लें इस तरह से, और 3 अभ्यास
ये सीधे लेट करके और कम से कम एक अभ्यास ये उल्टे लेट करके भुजंगासन पहले 10-20 बार से ऐसे शुरू करें, और 10-20 बार से ऐसे शुरू करके इसको 50 और 100 बार तक लगातार लोग कर लेते, मैंने देखा है। ये भुजंगासन ऐसे भी और ऐसे भी। और एक अभ्यास बैठ करके, कम से कम बैठ करके, या तो ये अभ्यास कर ले ऐसे, ये पेट के लिए, पेट के लिए, ओवर वेट के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लंबे लंबे श्वास, अथवा ये चक्की आसन कर ले ऐसे, आगे पीछे कोहनियाँ नहीं मोड़नी चाहिए, आगे पंजों के ऊपर, पीछे घुटनों के ऊपर से, जंघाओं के ऊपर से हाथ ऐसे चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। डायबिटीज और वेट के साथ साथ पीठ के लिए, कमर के लिए भी आसन विशेष लाभ करते हैं। तो एक तो कंधों में, गर्दन में दर्द है तो ये अभ्यास तो कर ही लें, सूक्ष्म व्यायाम के ऐसे इस तरह से ये अभ्यास, ये सारे हमारे गर्दन को, हमारी कंधों को, स्पाइनल कॉर्ड के जो ऊपर के वर्टिब्राज हैं, 33 के 33 जो हमारे वर्टिब्राज हैं, उनको पूरी तरह से फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये अच्छे अभ्यास हैं। उसमें एनर्जी का, ब्लड का फ्लो पूरा अच्छा रहेगा। फिर ये उष्ट्रासन ऐसे भी कर सकते हैं इसको, और ऐसे बैठ करके भी ऐसे उठ सकते हैं। ये उष्ट्रासन बहुत ज़बरदस्त है, जो ऐसे ना कर सके वो अर्ध उष्ट्रासन कर ले, इससे भी लाभ होगा आराम से। 10-20 सेकेंड से शुरू करके आधा मिनट तक कर सकते हैं। फिर कमर दर्द के लिए बहुत अच्छे आसन हैं ये भुजंगासन। वेट के लिए होता है, जब 25-50-100 बार तक करते हैं, आराम आराम से करते हैं, तो कमर दर्द तो दूर होता ही होता है। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे आराम से किया, थोड़ा देर रुका, फिर ऐसे तिलक भुजंगासन भी कर सकते हैं। कंधे के ऊपर से विपरीत दिशा के पैर की एड़ी को देखते हैं, ऐसे सर्वासन भी ऐसे ही, बहुत अच्छा है। एक एक पैर को आराम से उठाना, आराम से नीचे लेके आना, और सीधे लेट करके जबरदस्त है कमर के लिए मरकट आसन, एक तरफ पैर दूसरी तरफ कर देना ऐसे, मरकट आसन के 3 अभ्यास हैं। पहले में पैर पास में थे, दूसरे में घुटने पंजों में फासला, और तीसरे में पैर सीधे एक पैर को उठा के अपोजिट साइड के हाथ के पास लेकर के चले जाते हैं इस तरह से, ये अभ्यास है। जिनको कमर में दर्द है उनके लिए अर्ध पवन मुक्तासन, सिर ना उठाए, बस घुटनों को दबाए, लोमर पेन के लिए, कमर के निचले वाले हिस्से के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। एक एक पैर को ऐसे ऊपर उठाए, नीचे लेकर के, इससे भी कमर दर्द अच्छा होता है। तो ये इतने अभ्यास भी कर ले कमर दर्द के लिए तो बहुत है। अंततः ऐसे कमर को ऊपर उठाए, नीचे दबाए, इससे भी कमर दर्द अच्छी हो जाती है। तो ये बैकिक के लिए मैंने बताया। अब पूरे शरीर को आपको एक्सरसाइज देनी है, फुल बॉडी एक्सरसाइज, तो वो सूर्य नमस्कार से हो जाती है। तो ये भी 5 मिनट से शुरू करके और 10-15 मिनट तक कर सकते हैं। 5 और 10 बार से शुरू करके 25-50-100 बार तक सूर्य नमस्कार हो सकता है। इसके 12 पोज है, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज, साइंटिफिक एक्सरसाइज, इंक्लूसिव एक्सरसाइज, और बहुत सरल है, जो जितना कर पाए। ये प्राणायाम आसन, ये ऊर्ध्वहस्तासन, पीछे जाएंगे तो श्वास बाहर, पीछे जाएंगे श्वास अंदर, आगे झुकेंगे श्वास बाहर, ये नियम रहेगा। जब इसको आराम आराम से करते हैं तो 1 मिनट में कम से कम 4-5 बार से लेकर 6 बार तक होगा प्राणायाम आसन। श्वास भर के ऊर्ध्व हस्तासन, श्वास बाहर छोड़ करके पाद हस्तासन, दक्षिणाश्व संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांग आसन, भुजंगासन, पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन,
पादहस्तासन, ऐसे इसको सामान्य मध्यम तीव्र गति से किया जा सकता है सूर्य नमस्कार को। श्वासों के नियंत्रण के साथ जो यंगस्टर्स हैं वे अधिक व्यायाम करना चाहते हैं तो कम से कम 2 बैठक और 3 दंड लगा लें, ऐसे 10-20-25-50 बार ऐसे कर लेते हैं ऐसे। ये एक साधारण बैठक इसको कहते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और एक होता है ऐसे एक एक पैर पर बगल में ऐसे बैठना, 2-4-5 बार से शुरू करके इसको भी 10-20 बार तक किया जा सकता है। इससे पूरी बॉडी हमारी एनर्जेटिक हो जाती है। 3 तरह के दंड होती है, एक साधारण दंड होती है ऐसे, ऐसे 5-10 बार से शुरू करें पहला, फिर ये दूसरा ऐसे, उंगलियां अंगूठे अंदर की ओर पूरे नीचे गए पूरे ऊपर उठे, पांच दस बार से शुरू करके और धीरे धीरे 50-100 बार तक कर ले। मैं 50-50 बार करके 1 मिनट में 100 बार कर लेता ऐसे। फिर लास्ट में मिश्र दंड, दंड बैठक साथ साथ हो गए, फुल बॉडी एक्सरसाइज हो रही है इसमें भी। सामान्य गति मध्यम या तीव्र गति से इसको कर लें। अब जो स्वस्थ है वे क्या करें, वे कुछ आसन कभी खड़े होकर के कर लिए, कभी बैठ करके, कभी सीधे लेट करके, कभी उल्टे लेट करके, ताड़ासन, त्रिक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, आगे झुकना, हाथ घुटनों से लगाना, अर्धोष्ट्रासन, ये सब कर सकते हैं बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए। वृक्षासन, आधा से 1 घंटा प्रतिदिन योगाभ्यास करें, सुबह उठ करके पानी पिए, हो सके तो आंवला एलोवेरा जूस और गिलोय का जूस पी लें। खाने में सीक्वेंस में पहले सलाद और फल खाएं, फिर पका हुआ खाना खाएं, चबा चबा के खाना खाएं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध पिए। खाना हमारा सात्विक हो, हेल्दी हो, उसमें सारे न्यूट्रिशंस माइक्रो न्यूट्रिशंस हों, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। क्योंकि खाली योगासन, खाली प्राणायाम, खाली ध्यान योग नहीं, योग एक स्वस्थ जीवन पद्धति है, एक हेल्दी साइंटिफिक यूनिवर्सल नॉन वायलेंस बेस्ड एक जीवन पद्धति का नाम योग है। ऐसे ये आसन तो सब कर सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। तो कुछ आसन खड़े होकर के कर लिए, कुछ आसन जैसे हमने बताए ऐसे बैठ करके कर लिए, कुछ आसन उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट करके। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो ऐसे एक दिन में 5-10 आसन अवश्य कर लें। शुष्कासन, पीछे झुक गए तो सुप्त वज्रासन, ऐसे ही पद्मासन में बैठ करके आगे झुक गए तो योग मुद्रासन, पेट और डायबिटीज के लिए जबरदस्त है ये भी। पहले तो माथा ही टिक पाएगा, बाद में कोशिश करें कि थोड़ी टिक जाए। आगे झुक गए तो योग मुद्रासन, पीछे झुक गए तो सुप्त पद्मासन, और यदि इसमें गर्दन मोड़ करके और ऐसे पैर के अंगूठे पकड़ लिए तो ये मत्स्यासन है। तो कुछ आसन ऐसे बैठ करके कर ले, जिससे जितना बन पाए उतना कर ले।
और नियम से कर लें। तो मैंने कहा हम रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं, तनाव मुक्त, व्यसन मुक्त, सब प्रकार की हिंसा, झूठ, अनाचार, अलग प्रकार के जो अशुचिताएं हैं जीवन में, असंतोष है जीवन में, दुख हैं, द्वंद्व हैं, उनसे मुक्त जीवन जी सकते हैं। इसलिए योग रोग मुक्ति से लेकर के, व्यसन मुक्ति से लेकर के, जीवन के जितने भी दुख हैं, दरिद्रताएँ हैं, जितने भी जीवन की कुंठाएँ हैं, निराशाएँ हैं, उनसे मुक्ति का एक अनुष्ठान है। इसलिए कहते हैं कि योग मुक्ति का साधन है। मुक्ति माने छूटना, बुरी चीज़ों से छूटने का माध्यम है। तो हम व्याधियों से मुक्त होते हैं, समाधि से युक्त होते हैं, बुरी चीज़ों से मुक्त होते हैं, अच्छी चीज़ों से योग के द्वारा युक्त होते हैं। ऐसे हम प्रतिदिन योगाभ्यास करके, और यदि हो सके तो फिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का अभ्यास करके अपने भीतर से ही हम ज्ञान की, भक्ति की, कृति की दिव्यता को अनुभव करें। यही ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग है, यही आत्मसंयम योग है, यही विभूति योग है। अपने भीतर भगवान ने अनंत विद्या विभूति, एक एक इंसान में भगवान ने अनंत सामर्थ्य दिया। मैं बार बार कहता हूँ, भगवान ने इंसान बना करके हमें दुनिया की सारी दौलत दे दी है, बाकी काम तो हमें अपने विवेक से खुद करना है। और अपने भीतर बाहर जो भी ऐश्वर्य है, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम वेववा तत् तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम, सारे इस ऐश्वर्य में उस भगवान का, ईश्वर का ही ऐश्वर्य देखें। और परम भक्ति से, भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विद्वार्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्व न प्रविष्टुम च परम तपः, उस भगवान के साथ हम एकात्म होकर के जिए तो फिर जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई द्वंद्व शेष नहीं रहेगा। रोग तो मिटते हैं, भव रोग भी मिट जाता है। तो ये योग का मार्ग है, ये सबके स्वास्थ्य के, माने कम्युनिटी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इंडिविजुअल हेल्थ से लेकर के वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड हैप्पीनेस के लिए ये योग एक महामंत्र है। योग एक विज्ञान है, ये चिकित्सा विज्ञान भी है, ये जीवन विज्ञान भी है, इसमें अध्यात्म विज्ञान है। तो ऐसे इस योग का हम प्रतिदिन अनुष्ठान करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडोप्ट करके, योग को अपनी आदत बना करके, योग आदत बन जाएगी तो सारी बुरी आदतें वैसे भी ठीक हो जाएंगी, हम जीवन को दिव्य बना सकते हैं। इसलिए योग से जीवन का जहाँ एक और निर्माण होता है, वहीं योग से हमें निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति होती है। रोग तो मिटते हैं, भव रोग भी कट जाता है। ये है योग विद्या की महिमा। इसको हम स्वयं जानें, औरों तक इसको पहुंचाएं, और सब योग को एक जन आंदोलन की तरह लेकर के चलेंगे तो हम कोरोना सहित सब रोगों से बच पाएंगे। एक रोग मुक्त, एक व्यसन मुक्त, एक दुख, दरिद्रता, हिंसा, झूठ, बेईमानी मुक्त, सब प्रकार की अशुचिताओं से मुक्त, परम वैभवशाली हमारा जीवन, समाज, राष्ट्र और भारत बनेगा। और यही हमारा सपना है, योगमय, वेदमय, आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व, स्पिरिचुअल इंडिया एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यही हमारा ध्येय है योग का। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही।